दोस्तों, ये है मी एयर, एक ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन। और इसके पहले कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूं और आपको इस प्रोडक्ट के फीचर्स और परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं, चलिए कुछ न्यूज़ के बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रेडमी के 20 के बारे में, जो 28 मई को चाइना में लॉन्च होने वाला है। ज़्यादातर के चांसेस है कि रेडमी के 20 इंडिया में पोको F2 के नाम से लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी ने K20 का ऑफिशियल इमेज रिलीज़ किया हुआ है, और अगर आप उस इमेज को देखें तो उससे आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। एक तो इस हैंडसेट पर रियर साइड पर ट्रिपल कैमराज है, और इसका डिज़ाइन एकदम यूनिक किस्म का है। यहाँ पर भी ऑरा डिज़ाइन का उपयोग किया गया है, और अगर आप ध्यान से देखें तो पीछे सेंटर में डार्क होता है और लेफ्ट और राइट साइड में जो ग्रेडियंट फिनिशिंग आपको मिलता है। उसके अलावा देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन दिया हुआ है। आजकल जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं बढ़िया डिज़ाइन के साथ में आते हैं, एकदम यूनिक किस्म का डिज़ाइन होता है, और यहाँ पर भी मतलब कि K20 में भी आपको यूनिक किस्म का डिज़ाइन मिलने वाला है। दोस्तों, ओप्पो K3 भी चाइना में लॉन्च हो चुका है। इसमें स्नैपड्रैगन 710 ऑक्टाकोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है, और चाइना में इसका प्राइसिंग है 1599 युआन, मतलब कि तकरीबन 15,999 रुपये के आसपास। K3 में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, और ये पॉपअप मैकेनिज्म का उपयोग करता है, मतलब कि जो कैमरा है वो हिडन होता है। जैसे आप कैमरा का उपयोग करना चाहते हैं तो पॉपअप मैकेनिज्म के जरिए कैमरा बाहर आ जाएगा, आपने देखा होगा दूसरे स्मार्टफोन्स में। वीवो Z5X भी Antutu बेंचमार्क का जो एप्लीकेशन है उस पर लिस्ट हो चुका है, और उसका स्कोर है तकरीबन 173,000 के आसपास। तो ये जो वीवो Z5X है ये भी जल्द लॉन्च होने वाला है। दोस्तों, ऑनर ने ऑनर 20 सीरीज लंदन में लॉन्च कर दिया है, ऑनर 20, ऑनर 20 लाइट और ऑनर 20 प्रो। और ये जो सीरीज है 20 सीरीज, इसका जो प्राइसिंग है शुरू होता है 23,000 से। अब ये जो सीरीज है जल्द ही इंडिया में भी लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों, न्यूज़ में इतना ही, और चलिए अब मैं आपको मी एयर के बारे में बताता हूँ। ये है मी एयर, एक ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन। ये इंडिया में फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है, और इसे मैंने चाइना से ख़रीदा हुआ है। इसकी कीमत है 399 युआन, मतलब कि तकरीबन 3,999 रुपये। तो चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो ये देखिए, इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है मी एयर मी ट्रू वायरलेस ईयरफोन। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जो प्रोडक्ट है मैंने चाइना से ख़रीदा हुआ है, और देख सकते हैं कि ज़्यादा करके जो कॉन्टेंट है बॉक्स पर वो चाइनीज़ में है। ये एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन के साथ में आता है, काफ़ी लाइट वेट है, और टच कंट्रोल्स के साथ में आता है। की स्पेसिफिकेशंस पीछे की तरफ दिया हुआ है। इसमें ब्लूटूथ 4.2 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। ये लीजिए, इसे मैंने खोल दिया है, और ये देखिए इस प्रकार से इसे पैक किया गया है। ये है चार्जिंग केस जिसमें आप इन ईयरफोन्स को रख सकते हैं चार्जिंग के लिए, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये हूबहू एप्पल आईपॉड्स की तरह ही दिखता है। थोड़ा सा डिज़ाइन चेंजेस है, लेकिन जो कलर है एक तो वाइट है, और जो इसका लुक एंड फील है एक तरह से एप्पल एयरपॉड्स की तरह दिया हुआ है। ये देखिए, ये है चार्जिंग केस, इसे मैं खोल के बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जो ईयरपॉड्स है, या आप इसे ईयरफोन भी कह सकते हैं, उसे आपको यहाँ पर रखना है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और ये है ईयरफोन्स, या इसे आप ईयरपॉड्स भी कह सकते हैं। ये इस प्रकार का दिखता है, ये देखिए। तो एकदम एप्पल एयरपॉड्स की तरह लुक दिया हुआ है इसका। यहाँ पर एक और है ईयरपॉड, लेफ्ट और राइट, ये देखिए, और साथ में ये चार्जिंग केस और स्टोरेज केस। इसके अलावा बॉक्स में ये देखिए, यहाँ पर आपको ये केबल मिलता है। ये USB टू USB टाइप सी केबल है, और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बुकलेट है, एक बुकलेट है यहाँ पर जिसमें इस प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अब ये जो बुकलेट है ये एक तरह से यूज़र मैनुअल है, चाइनीज़ में भी है और इंग्लिश में भी है, तो यहाँ पर आपको जो जानकारी है इंग्लिश में मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर प्लग कैप्स भी मिलते हैं, ये देखिए। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो अब बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी। तो ये है मी एयर, जो हूबहू एप्पल एयरपॉड्स की तरह दिखता है। ये देखिए, इसकी बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर मेटालिक फिनिशिंग दिया हुआ है, और इसकी जो बॉडी है ये प्लास्टिक की बनी हुई है। बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है, और इसकी जो बिल्ड और फिनिशिंग है काफ़ी बढ़िया है। ये जो बटन्स है एक तरह से टच सेंसिटिव बटन्स हैं, तो इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। आपको अगर मीडिया कंट्रोल करना है, या फिर आपको वॉइस एक्टिवेशन करना है, या फिर कॉल रिसीव या कैंसिल करना है, तो उसके लिए आप इन बटन्स का उपयोग कर सकते हैं। जो ईयर प्लग्स हैं एक पर्टिकुलर एंगल पर टिल्ट किया हुआ है ताकि आपके कानों में अच्छी तरीके से फिट हो जाए। और ये जो डंडी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
चार्जिंग पॉइंट्स हैं, मतलब कि जब कभी आप इन ईयरफोन्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप इन्हें चार्जिंग के लिए और स्टोरेज के लिए इस चार्जिंग केस में रख सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से ये चले जाता है और इसे आप इस प्रकार से बंद कर सकते हैं। यहाँ पर एक बटन भी दिया हुआ है, तो ये जो बटन है एक तरह से मल्टी फंक्शनल बटन है। इसे प्रेस करते ही देखिए यहाँ पर एलईडी लाइट अप हो जाती है और ये जो ईयरफोन्स हैं इनके ऊपर भी एलईडी है। ये देखिए ये दो एलईडीज हैं दोनों दोनों ईयरफोन्स पर। एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप इन ईयरफोन्स को इस चार्जिंग केस से बाहर निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, मतलब कि आपको डायरेक्टली इसे आपके कानों में पहनना है। ये देखिए ऑन हो गया है। इसमें आपको वॉइस नोटिफिकेशन भी मिलता है लेकिन वो चाइनीज़ में है। इसका जो पेयरिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग किस्म का है। आपको ये जो ईयरफोन्स है इसे आपको चार्जिंग केस में डालना है, इसे बंद करना है और ये जो बटन है इसे प्रेस करना है 2 सेकेंड के लिए। 2 सेकेंड के बाद इसे आप छोड़ दीजिए, अब ये पेयरिंग मोड में चले जाएगा। आप अपने स्मार्टफोन जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। मेरे पास ये जो स्मार्टफोन है इसे मैं ऑन कर देता हूँ और ये देखिए यहाँ पर मुझे जो मी ट्रू वायरलेस ईयरफोन है दिख गया है। उसके बाद में मुझे टैप करना है और अब ये कनेक्टेड हो गया है, इसके साथ में कनेक्टेड हो गया है। तो ये जो प्रोसेस है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको इस ईयरफोन को आपके स्मार्टफोन के साथ में पेयरिंग करना है तो आपको इस केस में डालना है और फिर ये जो बटन है इसे 2 सेकेंड के लिए प्रेस करना है, उसके बाद में ही आप पेयरिंग कर पाएंगे। एक बार जब ये पेयर हो जाता है तो इन ईयरबड्स या ईयरफोन्स को जब कभी आप इस केस के बाहर निकालेंगे आप इसे डायरेक्टली अपने कानों में पहन लीजिए और आप डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे, मतलब कि इसे ऑन या ऑफ़ करने का कोई झंझट नहीं है। जब कभी आप इसमें डालेंगे ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और जब कभी आप इससे बाहर निकालेंगे तो ये जो ईयरफोन्स हैं ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। ये जो ईयरफोन्स हैं काफ़ी लाइट वेट हैं। तो दोस्तों इस ईयरफोन्स को मैंने पहन लिया है, देखिए इस प्रकार का दिखता है, काफ़ी कंफर्टेबल है। ये देखिए इस पर जो टच सेंसिटिव बटन है इसका उपयोग करके आप जो मीडिया है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉल आता है तो उसे रिसीव भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं और अगर आप उदाहरण के तौर पे मैं आईफोन का उपयोग कर रहा हूँ तो सीरी को भी एक्टिवेट कर सकता हूँ इन बटन्स का उपयोग करके। मैं मेरे आईफोन पर पबजी गेम खेल रहा हूँ और इन ईयरबड्स का उपयोग कर रहा हूँ और जब मैं फायरिंग करता हूँ तो थोड़ा सा डिले है। अब आईफोन पर मुझे डिले मिल रहा है तो जाहिर है कि आपको दूसरे स्मार्टफोन्स पर भी डिले मिलने वाला है क्योंकि ये जो ईयरफोन है इसमें ब्लूटूथ 4.2 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है और अगर आप खास करके पबजी गेम खेलते हैं और आपको ऐसे प्रकार का लैग नहीं चाहिए तो बेहतर होगा कि आप कोई ऐसे ईयरफोन्स के लिए जाएं जो ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है और आपके पास जो स्मार्टफोन है उसमें भी ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मैं इन ईयरफोन्स को बाहर निकालता हूँ कान से और इन्हें फिर से अंदर डालता हूँ तो मुझे एक नोटिफिकेशन साउंड आता है टिक टिक करके। उससे मुझे आइडिया मिल जाता है कि ये जो ईयरफोन है मैंने पहना हुआ है और दूसरी खास बात ये कि ये जो ईयरफोन्स है ये ऑन है, तो काफ़ी कमाल का है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये मुझे लगता है सेंसर दिया हुआ है जिससे जैसे ही मैं मेरे कान में पहनता हूँ तो सेंस कर लेता है कि मैंने इसे पहन लिया है और मुझे एक नोटिफिकेशन साउंड दे देता है जो कि काफ़ी यूनिक किस्म का मुझे लगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम हूबहू एप्पल एयरपॉड्स की तरह दिखता है लेकिन काफ़ी सस्ता है। इसकी कीमत है 399 युआन, मतलब कि तकरीबन 3,999 रुपये। फिलहाल तो ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, आप अगर चाहें तो चाइना से ऑर्डर कर सकते हैं लेकिन इस पर जो वॉइस नोटिफिकेशन है वो चाइनीज़ में है क्योंकि इसमें बिल्ट इन माइक्रोफोन है। अगर आपको कोई कॉल आता है तो कॉल आप इस पर रिसीव कर सकते हैं और कॉल की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, नॉइस कैंसिलेशन के साथ में आता है, मैंने टेस्ट किया है, काफ़ी बढ़िया है। अगर आप इन ईयरफोन्स का गाना सुनने के लिए उपयोग कर रहे हैं और गाना चालू है और आप इन ईयरफोन्स को अपने कानों से निकालते हैं तो जो गाना है वो पॉज हो जाएगा। आप इन ईयरफोन्स को फिर से पहन सकते हैं और फिर एक बार आपको ये बटन प्रेस करना है ताकि जो गाना है वो फिर से प्ले करना शुरू हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में बताता हूँ। ये जो इंडिविजुअल ईयरबड्स है इन्हें चार्ज करने के लिए तकरीबन आपको 1 घंटे का समय लग जाएगा और फुल चार्ज पर ये जो इंडिविजुअल ईयरबड्स हैं आपको तकरीबन 3 घंटे का नॉनस्टॉप यूसेज देंगे और ये जो चार्जिंग केस है ये इन ईयरबड्स को तकरीबन 3 बार फुल चार्ज कर पाएगा, मतलब कि ओवरऑल अगर आप इन ईयरफोन्स और ये चार्जिंग केस को कंसिडर करें तो आपको टोटल तकरीबन 10 घंटे का यूसेज टाइम मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि ये जो ईयरफोन्स हैं ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन्स ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है मी एयर जिसकी कीमत है तकरीबन 399 युआन जो पड़ेगा आपको तकरीबन 3,999 रुपये का।
अब ये जो मी एयर है इसका मैं गिव अवे कर रहा हूँ, और गिव अवे में भाग लेने के लिए सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने किया नहीं है तो, और जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल करना है, और ये जो वीडियो है इसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करना है, इसे लाइक भी करना है, और मैं आपको एक प्रश्न पूछने वाला हूँ उसका आपको जवाब देना है कमेंट्स के माध्यम से। तो प्रश्न ये है कि ये जो मी एयर है इसकी सबसे बढ़िया चीज़ आपको क्या लगी, ये आपको उत्तर देना है कमेंट्स के माध्यम से। और जो विनर है मैं एक विनर को सेलेक्ट करने वाला हूँ, वो भी 5 जून को, 5 जून को आप फिर से इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, और जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि विनर कौन है। तो दोस्तों गिव अवे में ज़रूर भाग लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल कर दीजिए, और देखते रहिए।